स्टीर केमिस्ट्री के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज जनरली पॉसिबल इन दोज कंपाउंड विच हैव डबल बॉन्ड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन इन द बॉन्डेड मॉलिक्यूल डू नॉट टेक प्लेस एंड दीज ग्रुप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रिलेटिव पोजिशन गिव राइज टू जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Restricted rotation can be easily explained by nail board experiment by taking two cardboard and nail. If two cardboard is attached with the nail, then free rotation take place. But if two cardboard are attached with the two nails, then the free rotation of one cardboard with relative to another is restricted and two different relative positions are formed. ज्यामिति समानता सर्वथा यौगिकों में संभव है जिनमें द्विबंध उपस्थित होते हैं। द्विबंध की उपस्थिति के कारण द्विबंध से बंधित परमाणु का मुक्त घूर्णन यानी फ्री रोटेशन नहीं हो पाता और उन पर उपस्थित समूह विभिन्न सापेक्ष स्थितियां ग्रहण कर ज्यामितीय समानता को जन्म देते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन को कील के उदाहरण द्वारा भलीभांति समझाया जा सकता है। दो गत्तों को एक कील द्वारा जोड़ने पर एक गत्ते को दूसरे के सापेक्ष घुमाया जा सकता है, परंतु तो दोनों गत्ते को दो कील द्वारा जोड़ दिए जाए तो एक गत्ते का दूसरे के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होता है, जिसके फलस्वरूप दो भिन्न भिन्न सापेक्ष स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिनको डायग्राम से बता रहे हैं। व्हेन टू कार्बन एटम्स आर जॉइंट बाय डबल बॉन्ड्स, दिस रोटेशन अराउंड द बॉन्ड एक्सिस इज नो लॉन्गर पॉसिबल। यानी लीबल वांट हफ के हिसाब से कार्बन की चारों से लिखता है नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों के निर्देश से होती थी तथा कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र पर रहता है। द्विबंध युक्त यौगिक में दो चतुष्फलक दो कोनों से जुड़े रहते हैं, फलस्वरूप उनके मध्य मुक्त घूर्णन समाप्त हो जाता है। इसे कार्बन कार्बन द्विबंध प्रतिबंधित घूर्णन भी कहा जाता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू लीबेल एंड वांटहाफ, फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर डायरेक्टली attached at four corners of a tetrahedral carbon atom. In double bond compounds, two tetrahedrals are attached through the two corners which stop the free rotation between them. It is called the restricted rotation. Hence, due to restricted rotation, two relative structures are possible. Yani those sambhav sarachnaye ho sakti hain. इस प्रतिबंधित घूर्णन के परिस्वरूप जहां दो भिन्न भिन्न सापेक्ष संरचनाएं या विन्यास संभव हो जाता है, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण प्राप्त दो भिन्न भिन्न विन्यासों को चित्र 3.8 में बता रखा है। प्रेजेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी दो चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध निर्माण व प्रतिबंधित घूर्णन की उपस्थिति इन दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। Hence, the compound shows the different relative geometric structure due to the restricted rotation are called the geometrical isomerism and the phenomena is known as geometrical isomerism. प्रतिबंधित घूर्णन के कारण विभिन्न सापेक्षिक ज्यामितीय संरचनाएं प्रदर्शित करने वाले यौगिक ज्यामितीय समावयवी तथा यह परिघटना ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। It is necessary that the both valency of double bonded carbon atoms should be different. There are two types or two waves to arrange these isomers in a space which are shows below. समान समूह एक दिशा में हो तो समावयवी को सिस कहते हैं और विपरीत दिशा में हो तो समावयवी को विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहते हैं। इस कारण ये समावयवता समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहलाती है। The structure in which two similar atoms or group are on the same side of the double bond is called the cis, and which are the same atoms are group on present now opposite side on the double bond, it is known as trans isomer. The geometrical isomerism is also called as cis trans isomerism. For example, two butane की अगर बात करें, दो group एक तरफ ही हैं तो cis कहलाएंगे और दो same group विपरीत दिशा में हैं तो trans कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1,2-dichloroethene, दो क्लोरीन, सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस। मैलिक एसिड की बात करें, दो एसिड एक तरफ हैं तो मैलिक, सो इट इज नॉन एज सिस मैलिक एसिड, और SOCH ग्रुप अपोजिट साइड में फ्यूमरिक एसिड मीन्स ट्रांस। नेक्स्ट इज क्रोटोनिक एसिड और आइसोक्रोटोनिक एसिड,
2 group, H group are on the same side. So it is known as cis form. It is known as isocrotonic acid. And H2 group are opposite side, which is known as crotonic acid. It is known as trans form. Geometrical isomerism can be shown by the following compound: double bonded carbon carbon double bond, carbon nitrogen double bond, and nitrogen nitrogen double bond. द्विबंधित वाले परमाणु homocyclic and heterocyclic, यानी समचक्रीय विषम चक्रीय होगी. And the third one is compound shows the restricted rotation on a single bond, यानी एकल बंद द्वारा प्रतिनिधित्व घूर्णन के कारण ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करने वाले कंपाउंड्स. कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त योगी कंपाउंड विच हैविंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑन एटम, ऑन ईच कार्बन एटम दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इट हैज एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस एग्जाम्पल, विभिन्न उदाहरण द्वारा समझेंगे. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्सिम्स कंपाउंड विद कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड. कार्बन नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध युक्त योगिक यानी ऑक्सिम की ज्यामितीय समरूपता. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन फॉर्म्स एडॉक्सिम एंड कीटोक्सिम रेस्पेक्टिवली. दे हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स. द थ्री वैलेंसीज ऑफ नाइट्रोजन इज एंगुलर रेदर देन द प्लेनर ड्यू टू डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन. Free rotation is restricted and different geometrical arrangements are possible. Aldehyde or ketone hydroxyl amine से अभिक्रिया कर क्रमशः aldoxime और ketoxime देते हैं. इनके कार्बन एवं नाइट्रोजन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है. कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध बनने के कारण मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है. भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभवित हो जाती हैं. These are the aldoxymes and the second one structure is ketoxymes. Aromatic oxymes exist in two forms called the syn and anti. In aldoxymes, if H and OH are groups are on the same side, then the isomers is known as syn, and then H and OH groups are on the opposite side, then the isomers are called the anti. एल्डोक्सिम में कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह यदि एक ही दिशा में उपस्थित हों तो उन्हें सिन कहा जाता है, और यदि हाइड्रोजन और ओएच विपरीत दिशा में हो तो उसे एंटी कहा जाता है. दिस एच एंड ओएच आर द सेम साइड, इट इज नॉन एज सिन. एच एंड ओएच आर अपोजिट साइड, इट इज नॉन एज एंटी. उदाहरण थे एल्डोक्सिम और किटोक्सिम के दे दिए गए. किटोक्सिम में भिन्न भिन्न ज्यामितीय समरूपता का नामकरण स्वैच्छिक आधार पर ही किया जा सकता है, जिस तरह से इसके अंदर किया गया. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक यौगिक में ज्यामितीय समरूपता. डाइसब्स्टिट्यूट साइक्लोएल्कीन्स डेरिवेटिव फ्रॉम एग्जाम्पल्स डाई एल्काइल डेरिवेटिव like cyclopropene, cyclobutene, pentene and cyclohexane shows geometrical isomerism since rotation of substituted group present on ring carbon atom is restricted. Consider the cyclic ring to be planar, then the group attached to the top of the vertical line is said to be above the plane of the ring, and the group attached to the bottom of the vertical line is said to be below the plane of the ring. ऊपर होगा तो अबाउ द प्लेन, बिलो नीचे की तरफ है तो बिलो द प्लेन. द्विपस्थित स्थापित साइक्लोएल्केन व्युत्पन्न जैसे साइक्लोप्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन आदि के प्रतिस्थापी व्युत्पन्न भी ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वलय के कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह इन कार्बन परमाणु का अपने अक्ष पर उपस्थित घूर्णन प्रतिबंधित कर देते हैं. दोनों प्रतिस्थापी समूह के वलय तल के एक ही तरफ उपस्थित होने पर शेष और विपरीत दिशा में हो तो ट्रांस कहलाते हैं, यानी विपक्षी समावयवी बनाते हैं. एलिसाइक्लिक यौगिक की ज्यामितीय समरूपता के कुछ उदाहरण दिए हैं. सिंस देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द रिंग, इट विल रिजल्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. व्हेन टू ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड देयर रिंग आर कॉल्ड द ट्रांस, एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑन द कॉल्ड द सिस. एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड तो ट्रांस, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन होंगे तो सेस कहलाएंगे, और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन होंगे तब भी सेस कहलाएंगे.
ये एग्जांपल था डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का। सेकंड एग्जांपल इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दोनों बिलो देन इट इज कॉल्ड द सिस। वन इज अपवर्ड डायरेक्शन, सेकंड वन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द ट्रांस। नेक्स्ट वन इज 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बोथ आर ऑन द बिलो साइड सिस, वन अपवर्ड वन डाउनवर्ड ट्रांस। साइक्लोब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ आर इन द बिलो और अपवर्ड डायरेक्शन में, तब भी सिस कहलाएंगे। वन ऊपर, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, ट्रांस कहलाएंगे। रिंग्स, इनफ्यूज रिंग सिस्टम इज फ्यूज विद द कार्बन एटम, इट मे बी फ्यूज इन आइदर सिस और ट्रांसफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल सिस डेकेलिन एंड ट्रांस डेकेलिन, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में सिस डेकेलिन कहलाएगा। एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस अपवर्ड दिस डाउनवर्ड, सो इट इज कॉल्ड ट्रांस डेकेलिन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ईजेड सिस्टम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज कॉल्ड द ज्यामितीय समानता के नामकरण की ईजेड, इट इज एट सिस्टम कौन इन कॉल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी, इट इज नॉन एज सी आई पी रोल। प्रायोरिटी सिक्वेंस कैन बी यूजफुल इन अप्लाइड इन गिविंग नेम्स टू सच ए स्ट्रक्चर, द ग्रुप ऑफ द हाइस्ट प्रायोरिटी ऑन बोथ ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन द फर्स्ट चूजन, इफ द टू ग्रुप ऑफ द हाइस्ट प्रायोरिटी आर ऑन द अपोजिट साइड द डबल बॉन्ड एंड द अल्फाबेट ई, इट इज नॉन एज एंटाजेसिन मीन्स अपोजिट, use for the structure if the group is highest priority or on the same side, it use the alphabet Z means zosamine means on the same side, thus the E stands for the opposite side and Z is for the same side. कौन इनकोल प्रीलॉग के अनुक्रम नियम इस प्रकार हैं, फर्स्ट वन इज नियम फर्स्ट, सर्वप्रथम द्विबंध से जुड़े दोनों परमाणु से बंध परमाणु या समूह के परमाणु को उनके परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में लगाते हैं। उच्चतम परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है, निम्नतम परमाणु क्रमांक वाले को निम्नतम, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करें तो हाई एटोमिक नंबर हाई प्रायोरिटी, तो हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको, then second, then third and the fourth one, first, second, third and first. तो पहला रूल रहेगा हाई एटोमिक नंबर हाई प्रायोरिटी। रूल नंबर सेकेंड, यदि द्विबंध से बंध परमाणु पर उपस्थित विभिन्न समूह के प्राथमिकता का निर्धारण सीधे सीधे बंध परमाणु के आधार पर नहीं किए जाते तो सीधे बंध परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। उपरोक्त जैसे कुछ अयोगिक है जिसके अंदर CH3 और CH2OH दो समूह उपस्थित हैं तो प्रत्येक समूह द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से कार्बन परमाणु द्वारा बंध रहते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH। इसी प्रकार इनकी प्राथमिकता का आधार पर स्थान नहीं की जा सकती, परंतु इन समूह से बंधित अगले परमाणु नेक्स्ट एटम रूल की अगर बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन की बात करें तो CH3 में ये रहेगा CH3 एक अन कार्बन 3 हाइड्रोजन, और CH2 की बात करें तो 1H1O। तो इसमें देखें CH3 के अंदर देखें कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके अंदर भी हैं, तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेम रहेगी, लेकिन थर्ड देखें इसके अंदर हाइड्रोजन और इसके अंदर ऑक्सीजन है तो प्राथमिकता एल्कोहल CH2OH को पहले देंगे, CH3 को बाद में दी जाती है। रूल नंबर 3, यदि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर ऐसा कोई समूह जुड़ा हो जिसमें बहुबंध उपस्थित हो तो उसकी प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए बहुबंध को एकल बंध के रूप में यानी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के आधार पर किया जाता है। यदि द्विबंध युक्त किसी कार्बन परमाणु पर CH और CH2OH समूह उपस्थित हो तो उनमें प्राथमिकता का निर्धारण सीधे बंध प्रथम परमाणु के आधार पर नहीं हो सकता, अतः सीधे बंध परमाणु के आधार पर विचार करें तो CHO समूह में ऑक्सीजन परमाणु कार्बन पर द्विबंध से जुड़ा रहता है, CHO में सी डबल बॉन्ड हो, यानी इसकी बात करें
CH2OH है और CH की बात करेंगे तो इसके अंदर ये हो चुका कि CH3 और CH2 के अंदर प्राथमिकता CH2OH को देंगे, CH3 को बाद में देंगे। मल्टीपल बॉन्ड का तीसरा नियम के आधार पर देखें तो कार्बन साइनाइड की अगर बात करें तो अगर ये देखें तो कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसको पढ़ेंगे तो कार्बन 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एंड 3 नाइट्रोजन, यानी ये जो कार्बन है 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है पर वो कैसे जुड़ा रहेगा, 1 नाइट्रोजन सेकेंड एंड द थर्ड वन, और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये नाइट्रोजन इस 3 कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये मल्टीपल बॉन्ड का रूल है, बहुबंध का नियम कहते हैं इसके अंदर तीसरा लॉ, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन अगर आता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो यानी एक कार्बन 3 नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। उपरोक्त तीनों नियम की व्याख्या के पश्चात अंत संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि समूह को प्राथमिकता उनमें उपस्थित अंतर के प्रथम बिंदु पर प्रदान की जा सकती है। दिस लॉ इज नॉन एज EZ रूल। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे निर्धारण किया जाता है ज्यामितीय समय का विन्यास को याद करने की विधियां। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड। जनरली ट्रांस आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर। साधारणतः विपक्ष समावी का समपक्ष समावी की अपेक्षा गलनांक अधिक और क्वथनांक कम होता है, जैसे कि समपक्ष ट्यूब ब्यूटेन में 277 केल्विन और विपक्ष के अंदर 274 केल्विन के आसपास। सॉलिबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर इज मोर, फॉर एग्जाम्पल सॉलिबिलिटी ऑफ मैलिक एसिड 3 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर एट 293 केल्विन एंड सॉलिबिलिटी ऑफ फ्यूमरिक एसिड 0.7 ग्राम इन 100 ml एट वाटर एट 293। योग सेकेंड। थर्ड द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मेजरमेंट द ट्रांस आइसोमर आर सिमेट्रिकल एंड हैंस विल हैव जीरो एंड लो डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू द सिस वन। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो इस तरह से रहेगा, एग्जाम्पल लें तो सिस है तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.85, ट्रांस कर लें तो डाइपोल मोमेंट का मान दे लूँ क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका दूसरे का भी माइनस आई इफेक्ट एक दूसरे को प्रभाव को न्यूट्रल कर देंगे, इसलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसके अंदर इसमें देखें प्लस आई इफेक्ट CH3 के कारण, दूसरे में प्लस आई इफेक्ट, दोनों एक दूसरे को प्लस आई इफेक्ट के कारण न्यूट्रलाइज कर देंगे जिसके कारण उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट फ्रॉम IR। इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ द कंपाउंड लाइक RCH डबल बॉन्ड CHR स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एट 970 टू 960 सेंटीमीटर इनवर्स इज प्रेजेंट विच इज नॉट फाउंड इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ सिस आइसोमर। केमिकल मेथड। इन दिस मेथड द ज्योमेट्रिकल आइसोमर मे बी ऑब्टेन्ड बाय द साइक्लिक कंपाउंड्स। इस विधि में ज्यामितीय समायोजकों को चक्रीय यौगिक से बनाते हैं, यदि चक्रीय यौगिक में दो समूह समपक्ष या विपक्ष स्थिति में हो तो प्राप्त यौगिकों में भी उसी स्थिति में ही रहते हैं। इन बेंजीन पैरा क्विनोन बोथ हाइड्रोजन आइटम्स आर इन सिस पोजिशन टू द डबल बॉन्ड, दे विल बी एट सिस पोजिशन इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड दस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज इन सिस फॉर्म एंड अदर आइसो फॉर्म विल बी इन ट्रांस। सिस फॉर्म की अगर बात करें मैलिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 403। बाय चेंजिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू COH ग्रुप अटैच टू द डिफरेंट कार्बन आइटम विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड इफ द ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, यानी ग्रुप जो है COH की बात करें दोनों सेम साइड हैं, इसको हीट करेंगे तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा और ट्रांस कंडीशन में है तो पहले हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करेंगे तो वो दोनों ट्विस्ट करके सिस पोजीशन पर आ जाएंगे और उसका टेम्परेचर फिर हीट करेंगे तो वो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा, यानी इसके काम लो टेम्परेचर पर सिस जो है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा और ट्रांस कंडीशन है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर वो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कर देगा। थैंक यू वेरी मच।